नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि अच्छे व्यवहार का भले ही कोई आर्थिक मोल ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। और अच्छे व्यवहार का जो आधार है वो हमारी अच्छी सोच है, अच्छे विचार है। क्योंकि अच्छे विचार अंदर जब उपजते हैं तभी वो बाह्य रूप से हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, जिसके माध्यम से हम लोकप्रिय बनते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं, जिसके माध्यम से हम जिस भी महफिल में जाते हैं वहाँ छा जाते हैं और हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहते हैं, हमारी बातों को याद करते रहते हैं। और यही कारण है कि हम भी रोज़ सुबह शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। बुरी बात ये है कि समय कम है, मगर अच्छी बात ये है कि अभी भी समय है। स्वामी विवेकानंद। कितना सही और दमदार जोश है इस सुविचार में। जी हाँ, समय भले ही कम है पर अभी खत्म नहीं हुआ है। बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता, परंतु ये भी सच है कि आने वाला समय हमेशा अपने साथ अनगिनत अवसर लेकर आता है। परमात्मा शिव भी समय की महानता का एहसास कराते हुए हमें ये याद दिलाते हैं कि एक एक घड़ी, एक एक श्वास हमें सफल करना है। तो आइए आज से बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल की तैयारी करें। मित्रों, प्रतिदिन का सुविचार हमें ज़मीन से जोड़े रखता है, हमें विनम्र बनाता है, बहुत ही व्यवहारिक बना देता है, जैसा आज भी हमने सुना। और इसके विपरीत जब व्यक्ति को अहम आ जाता है तो लोग कहते हैं आम तौर पे बोलचाल की भाषा में कि तुम्हें चर्बी चढ़ गई है क्या, और इसका अर्थ होता है कि तुम बहुत अभिमानी हो गए हो क्या। तो एक तो वहाँ चर्बी का अर्थ होता है और दूसरा कई बार ये भी कहा जाता है कि शरीर में चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हम भी ये आजकल देखते हैं कि लोग जो फैट्स हैं उसे बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं, वसा युक्त जो भोजन है उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में इसकी शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। तो आइए आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम सुनते हैं वसा के बारे में। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फैट हमारे भोजन में कितना हो, किस फॉर्म में हो, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वैसे तो जो भी हम खाते हैं, गेहूं खाते हैं, सीरियल, दूसरे सीरियल्स लेते हैं, बाजरा लेते हैं, दालें लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ मात्रा में फैट होता ही है। 15% जो फैट अवेलेबल प्रेजेंट होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो एक्स्ट्रा फैट की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। आपको नेचुरली अवेलेबल है, आपके हर चीज़ में अवेलेबल है। तो सैचुरेट फैट जैसे कि देसी घी है, वनस्पति है और कोकोनट ऑयल में, ये जो है इसमें सैचुरेट फैट अधिक मात्रा में होता है। और अनसैचुरेट फैटी एसिड जैसे मूफा और पूफा कहते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट तरह के ऑयल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल इस्तेमाल कर लें, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें, वर्जन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें, कभी कभी हम कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हम देसी घी भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। 15-20% सीडेंट्री वर्कर्स के लिए, 20-30% मॉडरेट वर्कर्स के लिए, और मोर देन 30% से अगर आप बहुत हैवी काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आप ज़्यादा मात्रा में फैट्स ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो हेल्दी फैट से भरपूर हैं। पहला है पीनट बटर, यानी मूंगफली से प्राप्त बटर। 100 ग्राम पीनट बटर में 51 ग्राम हेल्दी फैट होता है। दूसरा है अलसी,
100 ग्राम अलसी में 42 ग्राम हेल्दी फैट होता है। 100 ग्राम अलसी के तेल में 100 ग्राम हेल्दी फैट होता है। तीसरा है चीज़, 100 ग्राम चीज़ में 33 ग्राम फैट होता है। चौथा है अखरोट, 100 ग्राम अखरोट में 65 ग्राम हेल्दी फैट होता है। पांचवा है सूर्यमुखी के बीज, 100 ग्राम सूर्यमुखी के बीज में 51 ग्राम हेल्दी फैट होता है। छठा है नारियल, 100 ग्राम नारियल में 33 ग्राम हेल्दी फैट होता है। सातवां है कद्दू के बीज, 100 ग्राम कद्दू के बीज में 19 ग्राम हेल्दी फैट होता है। तो ये थे कुछ हेल्दी फैट के स्रोत। मित्रों, हमारे विशाल आध्यात्मिक देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहाँ आपको अपनत्व मिलता है। वहाँ की माटी आपको अपनी माटी प्रतीत होती है। वहाँ की हर बात से आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जिन नई नई बातों को हम जानते और समझते भी चलते हैं, तो और भी गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता चलता है कि हमारा देश कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। स्पिरिचुअल इंडिया में इसीलिए देश के अलग अलग भागों में हम आपको लिए चलते हैं और वहाँ की कला, संस्कृति और आध्यात्म के दर्शन कराते हैं। आज आप हमको वहाँ लिए चल रहे हैं जो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, जहाँ से आध्यात्म की खुशबू भी पूरे देश में फैलती रही है और जहाँ की मिष्ठान मिठाइयाँ तो जग प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। आइए स्पिरिचुअल इंडिया में आज देखते हैं बंगाल को। पश्चिम बंगाल, भारत का इतिहास यहाँ के इतिहास के बिना अधूरा है। इस भूमि में आध्यात्मिक नेता, महान दार्शनिक, अखंड देशभक्त जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री औरबिंदो, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा आदि हुए हैं। वहीं भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म भी यहाँ हुआ है। बंगाल की राजधानी कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यहाँ है हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी। वैसे तो दुर्गा पूजा पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन कोलकाता के दुर्गोत्सव की बात ही निराली है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबंस, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जैसे सुंदर हिल स्टेशन और आकर्षक जगह भी हैं। पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है अपने संस्कृति, अपने साहित्य तथा अध्यात्म के लिए। यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्था मनुष्य के दुर्गुणों को मिटाने का कार्य तथा राजयोग की शिक्षा जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। ये थे पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ अनूठे पहलू। मित्रों, बचपन में दादी या नानी के मुख से आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी कि पिताजी ने अपने चारों बच्चों को बुलाया, मृत्युशैया पे लेटे हुए थे और एक एक लकड़ी दी तोड़ने को, सबने तोड़ दी। बाद में उन्होंने लकड़ियों का गट्ठा दिया, तोड़ने को कहा, कोई नहीं तोड़ पाया। पिताजी ने महत्व समझाया, एकता में बहुत बल है, अकेले रहोगे टूट जाओगे, कोई महत्व नहीं रहेगा। और यही बात न केवल परिवार के लिए है, वरन जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बात हमारे बीच लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी, आइए ज़रा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। बहनों और भाइयों, एक बार एक व्यक्ति एक ठेले पर बेच रहे अंगूर वाले के पास अंगूर खरीदने के लिए गया। व्यक्ति ने अंगूरों का भाव पूछा तो ठेले वाले ने कहा कि ये अंगूर जो गुच्छे में हैं, ये 50 रुपए किलो हैं, और ये अंगूर जो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, एक एक अलग हैं और टोकनी में भरे हुए हैं, ये 25 रुपए किलो है। व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब अंगूर एक ही हैं, उसके बाद भी इन अंगूरों का भाव 50 रुपए किलो और दूसरे अंगूरों का भाव 25 रुपए किलो क्यों है? तो उस अंगूर बेचने वाले ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। उसने कहा कि जिन अंगूरों का भाव 50 रुपए किलो हैं, वे संगठित हैं, वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं,
इसलिए इनका भाव ज्यादा है, और जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, विलग विलग हैं, उन अंगूरों का भाव इनसे आधा है। संगठित रहें, नेक काम के लिए संलग्न रहें। नमस्कार। मित्रों, परमात्मा की याद वह गंगा जल है जो मन से अशुद्धता को धो डालती है, मन में शुद्ध और सात्विक विचारों को जन्म देती है, और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं, सबके मन को शुद्ध करना, शांत करना और अच्छे विचारों से भरना। तो किस प्रकार ये परमात्मा की गंगाएं अलग अलग स्थानों पर अपनी सुंदर सेवाएं कर रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। A greeting of peace to my sisters and my brothers, and I wish you a very, very happy new year. Happy new year to everyone from Indonesia. Happy new year, everyone. May you hold the hands of God in your hands. Be humble and keep smiling always. Happy New Year from Sri Lanka. All good wishes for a very peaceful, happy and healthy New Year from London. Wishing you a very happy New Year from Australia. A time of newness, a time of joy. Happy New Year. Happy New Year from Manchester, UK. Happy New Year from Vancouver in Canada. Happy New Year. Happy and wonderful New Year 2022. मित्रों, जीवन को सभी रंगों से सराबोर करने के लिए आज केवल तीन शब्दों को याद रखें, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना। बड़े ही सुंदर से तीन शब्द हैं। हम मुस्कुराएं, परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, अपनी प्राप्तियों को देखते हुए हम अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान रखें और दूसरों को भी मुस्कुराने का एक सुंदर अवसर दें। साथ ही जो भी हमें मिला है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते चलें। अन्य लोगों के लिए भी हम अपने मन में शुक्राना के भाव रखें, जिन्होंने कभी भी हमें मदद की है उन्हें शुक्रिया अदा करते चलें। छोटी सी छोटी बात के लिए भी शुक्रिया अदा करें, आप देखेंगे उनके चेहरे पे भी मुस्कान आएगी और साथ ही उनका मदद करने का ये गुण भी बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही हम किसी का दिल ना दुखाएं, यदि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो हमारा दिल भी कभी परमात्मा दुखने नहीं देंगे। और यदि हम ये करते चलते हैं तो सचमुच जीवन आनंद से, खुशहाली से परिपूर्ण होता चलेगा, जीवन सुंदर रंगों से भरता चलेगा, जो हमारी कामना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल सब रंग में इसी समय पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।